हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंदर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज का ये वीडियो वेजिटेरियन लोगों के लिए है, जो शाकाहारी लोग हैं उन लोगों की अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या खाने में ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि विटामिन B12 जो है वो लगभग इंडियन पॉपुलेशन की अगर बात करूँ तो 15% से लगा करके 40% तक लोगों के अंदर विटामिन B12 जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। और उनमें से अगर कम होने के बावजूद भी 50% लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि उनका विटामिन B12 जो है कम है, क्योंकि कोई लक्षण ही नहीं आता। अब कितना होना चाहिए विटामिन B12? देखिए, ऐसा है कि विटामिन B12 आपकी बॉडी के अंदर कम से कम 200 से 1000 पिकोग्राम तक होना चाहिए, और डेली रिक्वायरमेंट की बात करो तो 2.4 माइक्रोग्राम आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आपको क्या क्या लक्षण आते हैं, उसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने दे रखा है, आप जरूर देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, विटामिन B12 जो है वो नॉन वेजिटेरियन अगर डाइट है उसके अंदर तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे फिश है, चिकन है और मल्टीपल चीज़ें जिसके अंदर बहुत मात्रा में मिलता है। लेकिन अगर वेजिटेरियन की बात करें तो विटामिन B12 जो है बहुत कम मिलता है, इसीलिए इंडियन पॉपुलेशन के अंदर जो है विटामिन B12 की कमी मिलती है। अब वेजिटेरियन है तो क्या नॉनवेज खाना स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है, वेजिटेरियन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप खाएं जिससे आपका विटामिन B12 जो है वो नॉर्मल रहेगा। देखो, मैं सब्जियों की बात करूँ तो सबसे पहले पालक की सब्जी, आलू, चुकंदर, मशरूम और कद्दू की सब्जियाँ जो है वो आपको यूज करनी चाहिए। अब मैं फ्रूट्स की बात करूँ, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, उसके अलावा ब्लूबेरीज है, ये आपको यूज करनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन B12 मिलता है। ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, जैसे बादाम है, मूंगफली है, वो यूज करें, उसमें विटामिन B12 मिलता है। उसके अलावा मिल्क, दूध पियो एक गिलास रोज, विटामिन B12 उसके अंदर होता है। और अंडे में भी क्या है कि वो पूरा अंडा खाना है, यू नहीं कि आप सिर्फ एग वाइट खा रहे हैं, येलो पार्ट हटा रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरा अंडा खाओ, उसके अंदर विटामिन B12 मिलेगा। उसके बाद में योगर्ट है, न्यूट्रिशनल ईस्ट है, उसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स ले सकते हो, या फोर्टिफाइड ब्रेड्स आती हैं, उसके अलावा फोर्टिफाइड्स आपके मिल्क आता है, तो उसके अंदर सिंथेटिक विटामिन B12 मिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई वो आप यूज़ करो, जिससे आपके विटामिन B12 की कमी आपकी बॉडी में नहीं होगी, और रेगुलर यूज़ करें जिससे आपको फ़ायदा रहे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में कम क्यों होता है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो ये वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर दे रखा है, वो जरूर देखें। विटामिन B12 की कमी से कभी कभी डिप्रेशन के लक्षण भी आ जाते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने ऊपर दे रखा है। तो दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो विटामिन B12 के संबंध में, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।